ये दुनिया का 17वां सबसे गर्म मरुस्थल है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये मरुस्थल भी बट गया, पाकिस्तान में सिंध और पंजाब को मिला। इस मरुस्थल का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन भारत को इसका एक बड़ा हिस्सा मिला था, और उसमें भी 90% हिस्सा मिला राजस्थान को। एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर पानी खोजना भूसे में सुई खोजने जितना था, और गर्मी इतनी भयानक होती थी कि यहाँ से भूल कर भी कोई गुजरना नहीं चाहता था। यहाँ के लोगों ने गर्मी के हर सितम को सहते हुए सैकड़ों साल बिता दिए थे, लेकिन छप्पनिया अकाल ने जो तबाही मचाई उसके बाद लोगों को पानी की समस्या की स्थायी समाधान का इंतजार था। साल 1899 में पड़े सदी के सबसे भयानक छप्पनिया अकाल ने रियासतों के राजाओं को भी पानी के समस्या पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी समाधान पर दिन रात विचार कर रहे थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। उन्होंने कई लोगों से मशवरा किया और फिर नहर बनवाने की ठानी। जिस साल छप्पनिया अकाल पड़ा था, ठीक उसी साल यानी कि 1899 में हिसार के टुहाना में कंवर सिंह का जन्म हुआ था। कंवर सिंह गुप्ता, ये वो नाम है जिनको राजस्थान में भी बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन अगर कंवर सिंह ना होते तो न तो इंदिरा गांधी नहर होती, और शायद आप और हम भी पानी तलाशने के लिए उतने ही मशक्कत कर रहे होते जितने की हमारे पुरखों ने की थी। वो कहते हैं ना, कुदरत अपने साथ किसी को भी आसानी से खिलवाड़ करने नहीं देता, तो फिर मरुस्थल कैसे करने देता। 50 डिग्री से भी ऊपर का पारा, नित नए आंधी और तूफान, ना मशीन, ना टेक्निक और ना ही इंजीनियर्स। इंजीनियर्स तो इस तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन कठिन हालातों में भी कंवर सिंह ने महाराजा गंगा सिंह का राजस्थान में नहर लाने का सपना साकार करके दिखाया। इस नहर के निर्माण में लाखों चुनौतियां आई, हजारों कठिनाइयां आई और कई जाने भी गई। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण में किसने किया खून पसीना एक, और कैसे मरुस्थल के सीने को चीरकर एक 649 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ। हेलो दोस्तों, मैं अभय चौरसिया, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। राजस्थान के सबसे चर्चित रियासतों में से एक बीकानेर रियासत, जहां महाराजा गंगा सिंह ने 1888 में राजगद्दी संभाली थी, वे खुले विचारों वाले थे तथा दूरदर्शी थे। साल 1899 में छप्पनिया अकाल के दौरान उन्होंने तड़पती जनता की आहें खुद सुनी थी, इसलिए वे चाहते थे कि पंजाब के सतलुज नदी का पानी नहर के जरिए जैसलमेर तक लाया जा सके, ताकि इस पूरे इलाके में पानी की समस्या खत्म हो जाए, और इसके लिए उन्होंने गंग नहर बनवाई। गंग नहर ने बीकानेर की सूखी पड़ी जमीन पर पानी तो लाया, लेकिन लोग नहीं तो लोगों को बसाने के लिए उन्होंने मुफ्त में घर बनाने और खेती करने के लिए जमीनें भी दी। गंग नहर ने मानो बीकानेर की फिजा ही बदल कर रख दी थी। इस क्रांतिकारी प्रयास के कारण ही उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा गया। लेकिन पानी की कमी सिर्फ बीकानेर में ही नहीं, बल्कि चुरू, नागौर और जैसलमेर समेत राजस्थान के कई जगहों पर थी। महाराजा गंगा सिंह ने जैसलमेर तक इस नहर को ले जाने की कोशिश की, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका यह सपना पूरा न हो सका। लेकिन राजस्थान के भाग्य में तब तक शायद नहर का निर्माण लिखा जा चुका था, इसलिए तो महाराजा गंगा सिंह के दरबार में नए चीफ इंजीनियर बने कंवर सिंह गुप्ता। कंवर सिंह उस जमाने में थॉमसन कॉलेज से इंजीनियरिंग किए थे, जिसे आज IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। वो यंग थे, डायनामिक थे, उनके विचार महाराजा गंगा सिंह के विचारों से काफी मेल भी खाते थे। महाराजा गंगा सिंह के कहने पर ही कंवर सिंह ने पंजाब से लेकर राजस्थान तक नहर का ड्राफ्ट तैयार किया, जो इंदिरा गांधी नहर के लिए तैयार किया गया पहला ड्राफ्ट था। लेकिन साल 1943 में कैंसर के कारण महाराजा गंगा सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद बीकानेर की गद्दी मिली उनके बेटे साधु सिंह को। लेकिन साल 1947 में देश के आजाद होने के साथ ही राजशाही खत्म हो गई और देश में पहली बार सरकार बनी। अब न राजा थे और न रजवाड़े, लेकिन कंवर सिंह ने महाराजा गंगा सिंह के सपनों को धूमिल नहीं होने दिया। उन्होंने आजादी के ठीक एक साल बाद यानी साल
1948 में नहर के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि कई साल लग गए केंद्र सरकार को यह समझते हुए कि राजस्थान को अब हर हाल में एक नहर चाहिए और चाहिए। और आखिरकार 31 मार्च 1958 को नहर के निर्माण का श्री गणेश किया गया उस वक्त के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। उस समय यह काम लोगों को बिल्कुल असंभव लग रहा था क्योंकि जिद्दी रेगिस्तान की छाती चिरकर एक लंबी नहर निकालना अपने आप में एक चमत्कार जैसा था, लेकिन कंवर सिंह तो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे। जब ठाना उन्होंने था तो नहर बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी गई। इस नहर परियोजना को नाम दिया गया राजस्थान नहर परियोजना और यह तय किया गया कि पानी पंजाब देगा। पंजाब भी एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते राजस्थान को पानी देने को तैयार हो गया। पंजाब के फिरोजपुर में हरि के नाम के एक जगह पर सतलुज और व्यास नदी का संगम होता था और यहीं पर हरि के बैराज बनाया गया। इस बैराज से नहर निकालकर राजस्थान लाई जानी थी, लेकिन ये ही तो असली समस्या थी। अब पंजाब पानी देने को तैयार था और राजस्थान पानी लेने को तैयार था, लेकिन थार का यह मरुस्थल ही नहर निर्माण के लिए नहीं तैयार था। तभी तो एक से बढ़कर एक समस्या पैदा होनी शुरू हो गई। गर्मी के मौसम में भयानक गर्मी पड़ी, सर्दी के मौसम में भयानक ठंड, धूल भरी आंधियां, रेत के बवंडर, मौसम इतना खतरनाक कि कोई भी इंजीनियर यहां काम करने को तैयार नहीं था। उस वक्त ना ही आधुनिक मशीनें थी, लेकिन राजस्थान के वातावरण से निपटने के लिए कंवर सिंह और उनकी टीम तैयार थी। वे जानते थे कि इन हालात में रेगिस्तान का जहाज ही काम आ सकता है, इसलिए ऊँटों को मिट्टी खोदने का काम लगाया गया और सबसे मेहनती जानवर कहे जाने वाले गधों ने ऊँटों का साथ दिया। सैकड़ों मजदूरों, हजारों जानवरों और इंजीनियर्स ने बिना रुके थके कई कई घंटों तक काम किया, लेकिन भयानक गर्मी और धूल भरी आंधियों ने हालात इतने बदतर कर दिए थे कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मौसम की मार, गर्मी और तूफान से तंग आकर इंजीनियर्स बीच में ही काम छोड़कर अपने घर जाने लगे थे। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नहर के निर्माण के लिए इंजीनियर्स ढूंढना भी एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम था, इसलिए परियोजना के चीफ इंजीनियर्स अलग अलग पॉलिटेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इंजीनियर्स को परियोजना में काम करने के लिए आमंत्रित करते थे। कंवर सिंह और उनकी टीम ने यह तय किया था कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, इसलिए बड़े स्तर पर ऊँटों और गधों को काम में लगाया गया। मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई और काम की स्पीड को दोगुना कर दिया गया। कहा जाता है कि ऊँटों और गधों ने मिलकर इतनी मिट्टी की खुदाई की और ढुलाई की, उससे पूरी धरती के चारों तरफ 4 फीट मोटी 20 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। ये जानवर अगर नहीं होते तो नहर बन पाना बिल्कुल संभव नहीं था। कठिन मौसम में मिट्टी की ढुलाई करते करते न जाने कितने ऊँटों और गधों ने दम तोड़ दिया। कई इंजीनियर्स और मजदूरों ने भी जान गंवा दी, लेकिन काम रोका नहीं गया। आखिर 4 साल के अथक मेहनत के बाद राजस्थान में पहली बार पानी आया। दोस्तों, ये नहर निर्माण के प्रथम चरण का काम पूरा हुआ था, जिसमें पंजाब के हरि के बैराज से हनुमानगढ़ के मसी तावली हैंड तक पहला हिस्सा बनाया गया था और उसे नाम दिया गया राजस्थान फीडर। यहाँ एक समझने वाली बात है कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। सोचिए जरा, नहर कितनी लंबी होगी और अब एक बार में इतनी लंबी नहर बनाया जाना संभव नहीं था, इसलिए पहले राजस्थान फीडर बनाकर पानी लाया गया और फिर आगे जैसलमेर तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्य नहर बनाई गई। इसलिए इस नहर परियोजना में 2 नहरें शामिल हैं। पहली राजस्थान फीडर जो कि 204 किलोमीटर लंबी है और दूसरी 445 किलोमीटर लंबी। मुख्य नहर की राजस्थान में एंट्री हो सके इसलिए 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर बनाई गई, जिसका 170 किलोमीटर का हिस्सा तो
पंजाब और हरियाणा में ही था, जबकि सिर्फ 34 किलोमीटर का हिस्सा ही राजस्थान में था। लेकिन राजस्थान के लोगों को निराशा न हो, इसके लिए पहले ही चरण में मुख्य नहर का भी 189 किलोमीटर लंबा हिस्सा तैयार कर दिया गया था। 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राजस्थान नहर का उद्घाटन किया और इस तरह से इस नहर में पानी आया। नहर के पानी ने मरुभूमि की सूखी जमीन को ही नहीं बल्कि लोगों के चेहरे पर भी हरियाली की मुस्कान ला दी थी। अब लोगों को पीने और सिंचाई करने के लिए पानी मिलने लगा। नहर आते ही आसपास के इलाकों के रंगत बदलने लगी। सालों काम करने वाले इंजीनियर्स और मजदूरों के चेहरों पर भी संतोष था, तो वहीं जनता के चेहरों पर पानी आने की खुशी। अपनी टीम के साथ मिलकर कंवर सिंह ने असंभव लगने वाले काम को संभव कर दिखाए थे। वैसे तो इस नहर के निर्माण में कई घोटालों के भी आरोप लगे थे, लेकिन पानी आने की खुशी और नहर के फायदों के सामने उन्हें भुला दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाकर हजारों मजदूरों, ऊंटों और गधों, साथ ही कंवर सिंह की टीम ने राजस्थान का भाग्य बदल कर रख दिया। कंवर सिंह को मरुस्थल का भागीरथी भी कहा जाता है और उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। अब राजस्थान नहर की एंट्री तो इस मरु प्रदेश में हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम था पानी पहुंचाना और मुख्य नहर के निर्माण का। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी तक इस पूरी पिक्चर में इंदिरा गांधी के नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। मेहनत तो महाराजा गंगा सिंह, कंवर सिंह, इंजीनियर्स, मजदूरों, ऊँटों और गधों ने की थी, तो नहर का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर क्यों रखा गया? और दूसरा सवाल, अभी तक तो नहर सिर्फ हनुमानगढ़ तक ही पहुंची थी, जैसलमेर तक इस नहर ने कैसे अपना सफर तय किया? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस नहर निर्माण के अगले और आखिरी भाग में। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।